बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के पास से 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि करतार सिंह दिल्ली के छतरपुर से आपके विधायक हैं। इनकम टैक्स ने तंवर के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनमें 20 कंपनियों का खुलासा हुआ है। साथ ही कंपनियों में टैक्स और स्टैंप ड्यूटी चोरी का भी आरोप लग रहा है। इस दौरान तंवर और उनके भाई के पास से 1 करोड़ रुपए कैश और साथ ही गहने भी बरामद किए गए हैं और साथ ही 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है, जिसकी जानकारी इनकम टैक्स को करतार सिंह तंवर नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 करोड़ रुपए कैश और साथ ही गहने भी बरामद किए गए हैं और साथ ही 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है, जिसकी जानकारी इनकम टैक्स को करतार सिंह तंवर नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं करतार सिंह तंवर, छतरपुर से विधायक हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी में 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आपको बताते हैं क्या क्या मिला है करतार सिंह तंवर के पास से। असोला में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। इसके अलावा छतरपुर और फतेहपुर बेरी में 10 करोड़ की संपत्ति के बारे में जानकारी हाथ लगी है। दिल्ली के डेरा गांव में 20 करोड़ का फार्म हाउस है करतार सिंह तंवर का। प्रॉपर्टी मामले में थर्ड पार्टी के नाम से 24 लाख की देनदारी है। टैक्स बचाने के लिए 15 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। ये तमाम चीजें इनकम टैक्स की रेड में निकलकर सामने आ रही है। 15 से 20 करोड़ की संपत्ति पर टैक्स भरने में भी जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। बेटे की ईमेल आईडी से 15 से 20 करोड़ की संपत्ति पर टैक्स रिटर्न, ये तमाम चीजें इस रेड से निकलकर सामने आ रही है। सीधे रुख करते हैं संवाददाता अजीत श्रीवास्तव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, काफी सारी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है इनकम टैक्स की इस रेड के बाद, 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति। देखिए तने, साफ तौर पर है कि जिस हिसाब से पूरे वाक्यान में अगर हम कहें तो जो 26 से 27 साल के बीच जो एआरटी की रेट पड़ी थी, एआरटी रेट पड़ने के बाद से जो खुलासे अभी हुए हैं तो वो साफ जाहिर हो रहे हैं कि तमाम जो अगर संपत्तियों की बात करें हम तो जो असोला में है वो 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो आईटी डिपार्टमेंट बता रही है कि बेनामी पाई गई है। साथ में जो छतरपुर के पास फतेहपुर बेरी है, 10 करोड़ की संपत्ति वहां से उनको बरामद हुई है। साथ में जो डेरा गांव में फार्म हाउस है 2.6 एकड़ का, 20 करोड़ का उसकी कीमत वहां बताई जा रही है। साथ में थर्ड पार्टी के नाम से 24 लाख के जो देनदारी है वो भी सामने बता रही है। साथ में कैपिटल गेन टैक्स बचाने के खातिर जो 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया है 5 से 6 प्रॉपर्टी को लेकर, वो आईटी रेट बता रही है कि हाँ इसमें भी गमन किया गया है। साथ में जो इंडिविजुअल हाउस और जो ऑफिस हैं 5 से 7 करोड़ रुपए उसकी लागत बताई जा रही है। साथ ही साथ बेटे के जो मेल आईडी से जो आईटी रिटर्न्स का जो पार्टनरशिप में भरे गए हैं, यानी 15 से 20 करोड़ रुपए के संपत्ति इसमें भी शामिल होने की बात आईटी कह रही है। साथ ही साथ जो कैश है और ज्वेलरी है अगर हम मिलाए तो तकरीबन ये भी जो है 46 लाख के आसपास है मौजूद। ये तमाम जो है आईटी डिपार्टमेंट कह रही है कि ये तमाम पाया गया है, कहीं ना कहीं जो संपत्ति है उसका टैक्स यहाँ नहीं चुकाया गया था। बिल्कुल अजीत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अजीत जानकारी दे रहे हैं कि इनकम टैक्स को क्या कुछ पता चला है करतार सिंह तंवर के बारे में, लेकिन इस बीच मीनाक्षी लेखी क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि अरविंद जी ने किन किन लोगों को टिकट देकर जिताया है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है, और उनका जो लगातार वो अटैक कर रहे हैं केंद्र सरकार पर वो गलत है, क्योंकि कानून पूरे देश के लिए एक है। और इस वजह से कि कोई एमएलए और कोई आम आदमी पार्टी का नेता है तो उसको क्या कानून की गिरफ्त से छोड़ देना चाहिए, तो वो संभव नहीं है, किसी भी देश के लिए वो सही नहीं होगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस किस तरीके के लोगों को उन्होंने टिकटें बांटी हैं। अजीत, जो बात मीनाक्षी लेखी कह रही हैं, ये सवाल अब खड़े होंगे। सवाल इसलिए खड़े होंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, रिश्वत नहीं लेंगे, फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। उनके विधायक 130 करोड़ की बेनामी संपत्ति के बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये संपत्ति कहां से उनके पास आई, किस किस के नाम पर क्या क्या है। बिल्कुल साफ तौर पर है
इसी बात को लेकर सवाल तो खड़े होंगे और विपक्ष इस पर निशाना जरूर कसेगा कि आखिर जो बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल करते थे वो बड़ी बड़ी बातों का दावा किस बेस पे करते थे, क्या उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ कमी रह गई या फिर उसे अनदेखा किया, ये तमाम सवाल जो उठने लाजमी है। लेकिन तान्या हमारे साथ यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि, इनसे भी हम इनका भी पक्ष जान लेते हैं कि सुंदर भाई जिस हिसाब से तमाम रेट पड़ी 26-27 तारीख के बीच, तमाम आज जिस हिसाब से ब्यौरा आया हुआ है सीधे सीधे 130 करोड़ रुपए का जो बात सामने आ रही है, लेकिन जो डिटेल आई है उसके माध्यम से अगर हम कैलकुलेट करें तो तमाम करोड़ों की संपत्ति का कहीं न कहीं कोई खुलासा नहीं किया गया, आखिर इसमें कमी कहां रहेगी, कहां चूक रहेगी? कोई कमी नहीं है, ये सब जो है भाजपा की जो चल रही है यहाँ पे राजनीति। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर 26-27 तारीख की जो बात रेट की बात कर रहे हैं, उस दिन भी वो बताया था कि कहीं यहाँ 8 करोड़ नकद पाए हैं, कहीं 20 करोड़ नकद पाए हैं, लेकिन उस दिन ओनली 11 लाख रुपए घर में थे, जो उनके मदर के भी पैसे भी थे, उनके वाइफ के भी पैसे, बच्चों के घरवालियों के पैसे भी थे, वो सारा करके ओनली 11 लाख रुपए कैश पाया और बहुत कम मात्रा में ज्वेलरी थी और सारी ब्यौरा जो संपत्ति की ब्यौरा उन्होंने शो कर रखा है। ये अब हम इसी चक्कर में विधायक जी गए हुए अपना वकील को लेके और अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। ये जो राजनीति भाजपा के शासन में इस तरीके की हो रही है, मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं, इस तरीका कोई नहीं इनके पास। करतार सिंह तंवर के करीबी कह रहे हैं कि कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है, सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ की संपत्ति के बारे में जानकारी दे ही नहीं पा रहे हैं दिल्ली के ये विधायक। आगे